हेलो दोस्तों, सरकार ने एक कार्ड जारी किया है जिसका नाम है ई श्रम कार्ड, या इसको श्रमिक कार्ड भी बोल सकते हैं। आधार कार्ड जैसा इस कार्ड पे 12 नंबर रहता है। श्रमिक के लिए सरकार जो भी स्कीम ले आती है या कोई भी आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराती है, उसी लोग को मिलेगा जिसका पास ई श्रम कार्ड होगा। इस कार्ड के साथ बैंक अकाउंट भी लिंक होता है, तो सरकार के पास से जो भी आर्थिक सहायता मिलेगी सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी। हर एक पर्सन जिसका एज 16 से लेकर 59 का बीच में है और वो टैक्स पेयर नहीं है, वो ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड बिल्कुल फ्री में खुद से ऑनलाइन बना सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ऑनलाइन ई श्रम कार्ड बनाने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चले वीडियो शुरू करते हैं। इस श्रम कार्ड अप्लाई करने के लिए पहले आपके मोबाइल पे किसी भी ब्राउज़र पे ishram.gov.in सर्च करना है। उसके बाद ishram का पेज ओपन हो जाएगा, ऑफिशियल पेज। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग यहां पे आ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा थोड़ा, यहां देखिएगा रजिस्टर वन ishram, यहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन ishram कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। तो ishram कार्ड अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे अप्लाई किया जाता है। तो रजिस्टर वन ishram है, वहाँ पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सेल्फ रजिस्ट्रेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा। पहला में आपको देना है मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर आपका आधार से जुड़ा हुआ है। दूसरा में आपको कैप्चा फिल करना है। तीसरा में नो, चौथा में नो ही रखना है। उसके बाद सेंड ओटीपी में क्लिक करना है। सेंड ओटीपी क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ फिल करना है। नीचे सबमिट है, सबमिट में फिर से क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक पेज ओपन होगी, यहाँ आपका 12 नंबर का आधार नंबर डालना है, उसके बाद टिक करना है, उसके बाद नीचे सबमिट है, फिर से सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे और एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ फिल करना है। फिर नीचे देखिएगा वैलिडेट ऑप्शन है, वहाँ आपको क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक पेज ओपन होगा, यहाँ आपका पूरा पर्सनल डिटेल्स होगा जो आपका आधार से जुड़ा है। यहाँ आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, आपका लोकेलिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन, आपका स्टेट, सब यहाँ दिखाएगा। उसके बाद सबके नीचे लिखा हो देखिएगा कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स, वहाँ आपको क्लिक करना है। फिर से पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक पेज ओपन होगा, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, इमरजेंसी अगर नंबर होगा तो यहाँ डालना है, ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस देना है, फादर्स नेम डालना है, सोशल कैटेगरी डालना है, ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ देना है, और नीचे नॉमिनेट डिटेल्स है वहाँ आपको अपना नॉमिनेट डिटेल्स डालना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू है, नीचे वहाँ पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आपको रेसिडेंशियल डिटेल्स डालना होगा। यहाँ पे अपना होम स्टेट डालना होगा, उसके बाद करंट एड्रेस में आपका हाउस नंबर, आपका लोकेलिटी, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड, नीचे है स्टेइंग एट करंट लोकेशन, आप वहाँ पे कितना दिन से रह रहे हैं, यहाँ पे आपको डेट 5 साल या 10 साल या 2 साल से रह रहे, यहाँ आपको देना पड़ेगा। नीचे है अगर आप बाहर काम करते हैं दूसरा स्टेट पे तो वहाँ चूज करें यस, अगर नहीं अपना स्टेट पे
अगर काम करते हैं तो नो करें, उसके बाद टिक करें, उसके बाद सेव एड कंटिन्यू है वहाँ पे फिर से क्लिक करें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको एडुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा, आप कितने तक पढ़े हैं यहाँ देना होगा, और अगर सर्टिफिकेट है तो देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। नीचे आपको मंथली इनकम कितना है आप वहाँ डालें, अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो यहाँ देख सकते हैं, नहीं देने से भी चलेगा। उसके बाद नीचे देखिएगा सेव एंड कंटिन्यू है फिर से, फिर सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से और एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन आपका काम की डिटेल्स देना होगा, आप क्या काम करते हैं यहाँ आप डाल सकते हैं। ऊपर में आई बटन है वो होगा, वो आई बटन में क्लिक करके आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, आपको देखा रहे पीडीएफ फाइल यहाँ डाउनलोड हो चुका है। यहाँ आपको 156 तरह के काम के नाम दिया हुआ है, तो यहाँ देखिएगा तीसरे नंबर पे एक नंबर है डिजिट, उस डिजिट को वहाँ डालने से भी होगा, नहीं तो वहाँ आप आपका काम दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आपका अगर दूसरा कोई काम करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन में दूसरा काम भी दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आपका अगर काम का सर्टिफिकेट होगा तो आप यहाँ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट देना ज़रूरी नहीं है। उसके नीचे है अगर आप कहाँ काम सीखे हैं, खुद से सीखे हैं तो यहाँ देंगे, अगर कहीं से ट्रेनिंग लिए हैं तो यहाँ दे सकते हैं। नीचे है सेव एंड कंटिन्यू, फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद और एक पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है। पहले नंबर में आपका अकाउंट नंबर डालना है, दूसरा में कंफर्म अकाउंट नंबर, तीसरा में अकाउंट होल्डर नेम जिसके नाम पे अकाउंट है, चौथा में आईएफएससी कोड डालना है, उसके बाद बैंक नेम आप ब्रांच नेम डालना है एंड कंटिन्यू है उस पर फिर से क्लिक करें। उसके बाद एक पेज ओपन होगा सेल्फ डिक्लेरेशन का, यहाँ पे आप जो जो फिलअप किए हैं वो यहाँ सब देख सकते हैं, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपके ऑक्यूपेशन, आपका एडुकेशन सब यहाँ दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ गलती किए हैं तो एडिट पे क्लिक करें, फिर से वो ठीक करें, उसके बाद जो एग्री है एग्री में क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपका ई श्रम कार्ड अप्लाई करना सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ आपको कार्ड अपना दिखाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऊपर डाउनलोड UAN कार्ड है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके पास अगर प्रिंटर है तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी दुकान पे जाके प्रिंट करें और लेमिनेशन करवाएं। आशा करते हैं इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी नहीं मिली है, कोई भी कन्फ्यूज है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें, हेल्प ज़रूर करेंगे।